नमस्ते स्टूडेंट, मैं बीएस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक बिल से रिलेटेड है। जो अपने पिछले टॉपिक हमने पढ़ा था बिल वाइज मेंटेन, उसी का अगला स्टेप है जिसका नाम है नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स, यानी नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स में बिल सीरीज कैसे जनरेट किया जाता है, उसमें बिल नंबर कैसे सेट किया जाता है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन ट्रेडिंग के साथ बिल जनरेट कैसे किया जाता है। नमस्ते तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं टैली में फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स आल्सो की बिलिंग डिटेल्स की जनरल एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एफलोन फंक्शन की का F1 फंक्शन, जिसमें जानेंगे अकाउंटिंग फीचर्स का आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट क्या है। उसमें आज हम इस्तेमाल करेंगे फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स आल्सो का बिलिंग कैसे मेंटेन करना है, यानी इसका डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स आल्सो, इफ वी वांट टू मेंटेन अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग लेजर, देन वी हैव टू एक्टिवेट ऑप्शन बिल वाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स। यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन मेंटेन स्टाफ लोन, लोन एंड एडवांस, बैंक ओडी, बैंक ओसीसी, लोन रिसीवेबल, लोन पेबल, एडवांस सैलरी, एजुकेशन लोन एक्सेट्रा। एंड इसका डिफिनेशन है हिंदी में भी, अगर हम नॉन ट्रेडिंग लेजर के लिए खाते बनाए रखना चाहते हैं तो हमें नॉन ट्रेडिंग खातों के लिए विकल्प बिल विस्तार को सक्रिय करना होगा। इस विकल्प का उपयोग करके हम कर्मचारी का ऋण और अग्रिम बैंक ओसीसी ऋण देता देह वेतन के विरुद्ध अग्रिम शिक्षा ऋण के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। इसका एग्जांपल स्क्रीन पर है स्टूडेंट, यानी पेमेंट वाउचर में मुझे ट्रेडिंग अकाउंट नॉन ट्रेडिंग का इस्तेमाल करना है, जिसमें पे स्लिप बनाना है, ये पे स्लिप नंबर डालना है, यानी जितने भी सैलरी मैं दूं, जिसे सैलरी गिवेन टू प्रकाश 5000, मैंने 1 अप्रैल को सैलरी दिया है, 5 अप्रैल को दिया हुआ है, 6 अप्रैल को दिया हुआ है, 6 जुलाई को दिया हुआ है, यानी इन सभी को हमें बिल वाइज के साथ मेंटेन करना है ना। और बिल नंबर इन पे कैसे चार्ज करना है, पेमेंट वाउचर में बिल का कैसे इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे टैली पे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे जिसका नाम है नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक नॉन ट्रेडिंग नाम से खाता जनरेट कर रहा हूँ, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। इंटर कर लिया, इंटर एंड इंटर स्टेट सेव करा लिया स्टूडेंट। सब सेव कराने के बाद स्टूडेंट वापस हम चलते हैं बिल में, यानी वापस एफलोन फंक्शन की में जाएंगे। एफलोन में स्टूडेंट जानेंगे, आज हम बिल बाई का इस्तेमाल तो कर चुके हैं, उसमें जानेंगे फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल। अभी तो इसको यस नहीं करेंगे फिलहाल, इससे बचा सारे ऑप्शन नो कर दीजिए, और इसको सारे ऑप्शन नो कराने के बाद एक बार सेव करा लीजिएगा और रीचेक भी कर लीजिएगा कि उसके अलावा भी कोई ऑप्शन तो यस तो नहीं है, एंड F3 में भी और F2 में भी। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे, कि लेजर बनाते हैं इसमें नॉन ट्रेडिंग का इस्तेमाल क्या होता है ये आप भी जानते नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा पूरा वीडियो। एंड लेजर में गए और मुझे किस नाम से सैलरी बनाना है, यहाँ पे सैलरी देखा है, सैलरी गिवन टू प्रकाश ऑफ ₹5000, प्रकाश के नाम से सैलरी बनाना है, तो यहाँ पे मैंने एक लेजर बनाया प्रकाश के नाम से, प्रकाश सैलरी अकाउंट। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बना लिया। अब स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं कि जब मैंने सैलरी खाते डाल लिया तो बिलिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसी के लिए आपको F11 में नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स का इस्तेमाल करना होगा। और वहां पे यस करने के बाद जैसे आप आएंगे यहाँ बिलिंग ऑप्शन देखिए ऑलरेडी आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा, मेंटेन बिल भाई, इसको यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद आप लिमिट भाई 30 दिन का सैलरी हम देते हैं, 30 दिन डाल दीजिएगा, एंड इंटर करके सेव करा लीजिएगा। स्टूडेंट सेव कराने के बाद वापस इसकी बिलिंग करनी है, स्केप करके बाहर आएगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाएगा और वहां पे पेमेंट वाउचर आपके सामने है। देखिए हम इस पर किस पे करेंगे, पेमेंट वाउचर में पहली सैलरी देना है 1/4 को, वापस आप यहाँ पे डेट देखेंगे, F2 से डेट डालने के लिए होता है, 1/4 यहाँ डाल देंगे स्टूडेंट। इंटर, किसको स्पेस दबाएगा, किसको सैलरी देना है, प्रकाश को। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में, इसमें पहला नी रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे बिल सैलरी देने के लिए, और यहाँ पे सैलरी स्लिप का मैंने नाम भी दिया हुआ है,
पे स्लिप नंबर। तो यहाँ पे जो बिल नंबर जैसे होता है वहां पे हम पे स्लिप लिखेंगे, पे स्लिप नंबर 001। इंटर कर दिया स्टूडेंट, कितना सैलरी देना है 5,000 रुपये। इंटर एंटर एंड कैश, ये कैश मैंने सैलरी दे दिया स्टूडेंट। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नरेशन को हमेशा लिखा कीजिए, बीइंग सैलरी पेड टू प्रकाश पे स्लिप नंबर प्रकाश, फॉर कैश कर दीजिए स्टूडेंट, फॉर कैश पे स्लिप नंबर 001। इंटर करके सेव करा लीजिए स्टूडेंट। ओके फिर स्टूडेंट आपको दूसरा सैलरी मई में देना है, पे स्लिप नंबर 2 है। वापस हम जाते हैं F5 करेंगे, F5 तो ऑलरेडी आपका है, F2 करेंगे डेट चेंज करने के लिए। 1,500 कर दिया स्टूडेंट, किसको सैलरी देना है उसी को, प्रकाश को देना है। इंटर कर दिया किस पे, न्यू रेफरेंस में इंटर। फिर वापस हम यहाँ पे स्लिप लिखेंगे, पे स्लिप नंबर 002। इंटर कर दिया, कितना है सैलरी 5,000 रुपये सैलरी है। इंटर 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 और इंटर। नरेशन को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, कंट्रोल आर कीजिएगा, रिपीट हो जाएगा वो, और वहाँ पे 01 के यहाँ 002 कर देना होगा एंड सेव। इसी तरीके से पिछली सैलरी देखिए, अब यहाँ पे दो सैलरी मैंने दे दिया है, जून में सैलरी देना है। आइए F2 करके पहले डेट चेंज करते हैं, जून में 1 जून चला गया। इंटर सैलरी सेम, इंटर न्यू रेफरेंस, यहाँ पे स्लिप नंबर 003। इंटर 5,000 सैलरी देना है, इंटर एंड सेव, इंटर कैश, इंटर कंट्रोल बी करिएगा स्टूडेंट, सॉरी कंट्रोल आर, एंड कंट्रोल आर प्रेस करके 003, इंटर एंड सेव। ये तीसरी सैलरी होगी। फिर आप फिर अगली सैलरी है जुलाई में देना है। आई जुलाई में आते हैं स्टूडेंट, आते हैं F4 एंड 1,600 इंटर करिएगा, सॉरी 1 जुलाई में 1,700 इंटर एंड सैलरी मैथ न्यू रेफरेंस एंड पे स्लिप जैसे लिखा था स्टूडेंट, पे स्लिप नंबर 004 स्टूडेंट सेव करिएगा, 5,000 सैलरी एंड सेव, इंटर एंड इंटर इंटर। नरेशन को कंट्रोल आर से पेस्ट करिएगा एंड 004 इंटर एंड सेव। तो स्टूडेंट ये आपने बिल नॉन ट्रेडिंग का बिलिंग का इस्तेमाल किया। अगर आपको देखना है सैलरी तो आप डिस्प्ले में जाइएगा, अकाउंट बुक में जाइएगा और लेजर खोल लीजिएगा। वहाँ पे स्लिप जब सैलरी प्ले करेंगे तो यहाँ पे अल्टा F2 करके डेट डाल दीजिएगा जब से आपने सैलरी बांटा हुआ है, 1,400 से लेकर जुलाई तक सैलरी दिया, एंटर करेगा। एंड अब यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये जो सैलरी जो दिया गया है यहाँ पे, इनका अल्टर भी यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बिल स्टेटमेंट भी मिल जाएगा कि किस किस बिल स्टेटमेंट पे सैलरी बनाई गई है और कब कब सैलरी दिया गया है। तो ऐसे नॉन ट्रेडिंग के अकाउंट के साथ हम बिल बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बिल नंबर जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये था नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स का बिल मेंटेन करने का सही तरीका। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि बिल नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में बिल कैसे जनरेट किया जाता है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आता है तो कमेंट्स जरूर किया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।